कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे वो जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना, मुंह से नाक से, नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है, ये आपके बॉडी में चला गया, राइट, रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट, और जो बॉडी में जा रहा है साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया है, राइट, उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए, लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, ये आउटलेट बंद हो जाए लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन दो दिन तीन दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है, तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा, तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट हो गया, राइट, वो बॉडी इज लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज यूज नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सेस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिनिन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट, आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज कर लिया बॉडी ने, और जो यूज नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट, फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं निकाल यूज कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट, तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा है, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार है, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट, ज्यादा जा रहा है निकल कम रहा है, तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है, वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग, सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट, अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट, वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रिएटिनिन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट, आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है, कैल्शियम गुड और बैड आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट, वो कौन सी जगह पे है दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल, अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना, वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी नेचर ने, राइट, उनमें से एक तरीका है दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी, दो किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट, स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट, लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसा होगा कि वो सहा नहीं जाएगा, अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए था हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा हवा कहां से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट। हवा निकालना बात समझ आ गई, हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहां चुपो दूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।
एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज इन वन थिंग ओनली कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट, किसी की जान चली जाएगी या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, एक्स वाई जेड, ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस, तो निकालना है यहां तक ठीक है, लेकिन निकालने का रास्ता का डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अर्देश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो हर बार वन पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट, यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है कि ट्यूमर है कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव, सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट, आपके पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट, ये तीन चार, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज तीन चार आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं, अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी बिकॉज ये पहले से ही बना बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा, लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहां पे समझिए ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट, किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो हम मैं डॉक्टर देश पांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे उसके हाथ और पैर देखिए, राइट, अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, एक सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट उसको यूज करता है, कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट। किडनी पेशेंट बोलें या सिर्फ पेशेंट बोलें ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और अभी जैसे आप और मैं हूं, अभी एटमोसफेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड वन एटमोसफेयर प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे उसके पानी का दबाव इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर आल्सो, ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता,
हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिएटिनाइन वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा, एक्चुअली दोनों चीज ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद ड्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 kg निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है दैट इज डायलिसिस, राइट। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट। ये इंजीनियर ज्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज्यादा पैरों से, राइट। इस हिस्से में आ जाता है एंड देन, क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट। एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टेन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 times, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही। फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बलून को फुला रहा हूँ तो बलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा, लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूं फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूड, एक्सेस फ्लूड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वॉन्ट दैट, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूड उसको हटा दिया, 1 kg वो हट गया, और वो पता भी चल रहा है आपको। जिसका जितना ज्यादा फ्लूड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूं, मेरा फ्लूड ओवरलोड ऑलमोस्ट निल है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस, हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी के इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीज जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है, राइट। तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना। तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी नॉट नो, राइट। हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट। तो जो डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे 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 विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट। तो यानी कि जो चीज एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो
वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीजों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज खबरदार हाथ मत लगाना, राइट, वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट, क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीजों को निकालेगा, राइट। फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम, राइट। लेकिन बॉडी क्या दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिन तक, विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के, दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो, उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे, मैं तो मरने वाला, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा, तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट्स, जहां जहां आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहां दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे, दो घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोस रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में, अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं, तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं सिर्फ, हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके बॉडी में जो भी फालतू की चीजें बॉडी से बाहर निकल जाए, दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा, हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, देखिए कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊं, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूक मारना, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है, अपनी जगह पे प्रॉब्लम वही की वही है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से, उस पेन के, जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज्यादा डेंजर है उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में दो बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबसी में अब अगर जाएं, तो हम देखते हैं कि वो दो डोज लेता है, राइट, सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे, फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी, तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है, इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें,
जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो हैं अब तक अब से पहले. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ. राइट, ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है. हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर. तो फास्टेस्ट सेफेस्ट एविडेंस बेस्ड एंड इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के. और हर बार जब वो करेगा हर बार उसका कैंसर उसका ट्यूमर पहले से ज्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा कम होगा कम होगा. अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी. जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाते रहना पड़ता है. गेटिंग द पॉइंट, दोनों की फर्क देखिए. राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी है, किडनी फेलियर भी है. हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी खोले, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया. राइट, किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो. राइट, आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है. राइट, तो या तो विजुअली दिखेगा या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज्यादा है. तो कुछ भी ज्यादा हो सोल्यूशन आपके पास है. राइट, सो दिस इज वॉट इज द सेफेस्ट वे. तब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैड टब. राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब. राइट, तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं. राइट, वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं घर जाके कैसे करूंगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ. तो ऑल दो हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ. ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है.